حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم अल्लाह ताला की हमद व सना के बाद दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर हूँ। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ हमारी जमात के अजीम खतीब मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना असगर साहिब को हाफिज़ अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत, आपका अपने बेटे के लिए दिया हुआ वक़्त और आपके जज्बे की बदौलत अल्लाह ताला ने कामयाबियों से हमकिनार फरमा दिया है। और ये बात बहुत ही खुशी की है कि बेटियों में से एक ही बेटा और हजरत साहब की अपनी तबीयत ख़राब, मगर उसके बावजूद लाहौर जामे मुहम्मदिया लोको वर्कशॉप के अंदर फजीलत शेख हजरत मौलाना यहिया आरफी साहेब मुफ्ती अतीकुर्रहमान अलवी साहब, अजीम मजहबी सिकालर प्रोफेसर खावर रशीद भट साहब, मोहतरम जनाब शेखुल हदीस अब्दुल्ला रफीक साहब की जेर निगरानी छोड़ा हुआ है। यकीनन मैंने भी वहाँ से ही पढ़ा है, इलम हासिल किया है। अल्लाह ताला हमारे उसातजा की मेहनतों को कबूल मंजूर फरमाए। सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके खिलाफ एक मुस्तकिल महाज पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही खोला जा चुका था, और वो जो महाज खुला था वो आज भी खुला है, उसका दरवाजा बंद नहीं हुआ। आज एक खास फिरका इसके लिए काम करता है और सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पे इल्जाम तराशियां, बहतान बाजियां ऐसे कामों से गुरेज नहीं करता। इब्तिदा कहाँ से हुई? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब भी किसी गजबे पे जाते अपनी बीवियों के दरमियान खुला डालते, जिस बीवी का नाम निकल आता उसको अपने साथ गजबे में ले जाते। इस मरतबा सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम निकला, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने वही नाजल फरमा दिया, पैगंबर मोमन औरतों को कहे पर्दा किया करे, मोमन मर्दों से पर्दा किया करे। तो पर्दे का हुक्म आ चुका था। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिस तरह हमारी जुबान में डोली नुमा कहते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सैयदा आयशा को जाने का हुक्म दिया तो उस डोली नुमा के अंदर बैठाया और ऊंट के ऊपर रखा गया, इसी तरह सफर किया, इसी तरह वापस आए। रास्ते में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, सैयदा को हाजत पेश हुई, चली गई, पीछे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया चल दिए। सहाबा बयान फरमाते हैं हमने उसको उठाया, ऊंट के ऊपर रख दिया जिस पे सैयदा जिसके अंदर बैठती थी। उस वक्त की ख्वातीन का वजन भी इतना नहीं हुआ करता था, वजन थोड़ा था, महसूस नहीं हुआ,
चल दिए। सैयदा वापस आई, आकर देखा काफला तो जा चुका है, पीछे एक सहाबी की ड्यूटी थी, जो पीछे सामान काफले में गिर जाता उसको देखता। सैयदा के पास पहुंचा तो सैयदा को लेकर मदीना की तरफ चल दिया। अभी पहले ही पैगंबर अलैहिस्सलाम से जा मिला। उधर यहूदियों ने अब्दुल्ला बिन अबी ने काफरों के साथ मिलकर, अपने साथियों के साथ मिलकर सैयदा के खिलाफ बहतानबाजी निकालना शुरू कर दी। सैयदा को इलम नहीं था तो सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यिबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये इसी आलम में घर आती हैं, बीमार हो जाती हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम आते पूछते क्या हाल है, बताती ये हाल है अल्लाह के रसूल। पैगंबर चले जाते, दिल में ख्याल आता अल्लाह के रसूल पहले की तरह बैठते नहीं, मोहब्बत नहीं करते, क्या मसला है, क्या मामला है। एक दिन सैयदा कायनात चलती चलती बाहर निकली, कजाए हाजत के लिए गई। उस वक्त घरों के करीब इंतजाम नहीं था, बाहर जाती थी। उम्मे मिस्ता के साथ गई, जब वापस आई, वापसी आ रही है तो उम्मे मिस्ता ने बताया तो सैयदा की आंखों से आंसू जारी हो गए। सैयदा कायनात कहती है, मेरे उस दिन से गमों के बादल छाने शुरू हो गए। मैं चली घर में पहुंची, अपने पैगंबर से इजाजत ली, ऐ मेरे पैगंबर मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने बाबा के दरवाजे पे जाना चाहती हूँ। सैयदा कायनात को इजाजत मिल जाती है, रोती रोती मेरे पैगंबर के सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने बाबा के दरवाजे पे पहुंचती। दिल में ख्याल आया, हाले दिल जाके अपनी माँ को सुनाऊंगी, अपने बाबा को सुनाऊंगी, यही ख्याल लेके चल पड़ी। चलती चलती जब बाप के दरवाजे पे पहुंची, माँ की तरफ देखा वो भी आंसुओं में डूबी हुई, बाप की तरफ देखा वो भी आंखों से आंसू बहा रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। सैयदा कायनात रोती रही रोती रही, हत्ता के अपनी माँ से बात भी ना की, मुसल्ला उठाया चल दी। माँ ने सोचा क्यों ना बेटी को पूछा जाए, बेटी तुम कहाँ जाती हो, बेटी किधर जा रही हो। सैयदा कायनात से जा पूछा तो माँ से कहने लगी, माँ घबराइए नहीं, मैं उस दरवाजे पे जा रही हूँ जहाँ पे आदम रोए थे, मैं उस दरवाजे पे जा रही हूँ जहाँ यूनुस रोए थे, मैं उस दरवाजे पे जा रही हूँ जहाँ जनाबे मूसा रोए थे, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ जनाबे याकूब रोए थे, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ यूसुफ रोए थे। उनके आंसू पहुंचे जाते हैं। सैयदा कायनात ने मुसल्ला लिया, चल दी आज अपनी जबीन न्याज को अपने परवरदिगार के सामने झुका लिया, आंखों से आंसू जारी हो गए। सैयदा फरमाती हैं, तकलीफ इतनी पहुंची कि बेसाख्ता बुखार में मुब्तला हो जाती हैं। इधर सरवरे कायनात ने सहाबा इकराम का इजलास तलब कर लिया, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे सहाबा बतलाओ ऐसा के मामले में राय दो, बताओ ऐसा के मामले में क्या कहते हो, सैयदा कायनात के मुतल्लिक क्या राय है। इधर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम सरवरे कायनात ने सहाबा से राय ली, सहाबा रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, सहाबा परेशानी के आलम में है। अबे पैगंबर अलैहिस्सलाम इसी आलम में थे कि एक सहाबी खड़े होते हैं, कहते अल्लाह के रसूल आपको बीवियों की कमी तो नहीं है, आपके पास हुस्न जमाल भी है, अल्लाह ताला ने सारी कायनात की सरदारी भी दी है, क्यों ना हो आप आयशा को आजाद कर दें। इधर सैयदना उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल ये छोड़ने का आजाद करने का फैसला तो बिल्कुल आखिरी फैसला होगा, मैं सवाल करना चाहता हूँ सैयदा को आपकी रफीका हयात बनाने वाला कौन है, सैयदा का आपके लिए रिश्ता मुंतखिब करने वाला कौन है, इस निस्वानी पैकर को आपके खानवादा यक्स अक्दस में भेजने वाला कौन है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम का अशारा उंगली का आसमान की तरफ उठ गया, मेरे पैगंबर के खामोश अशारे ने फसाहत के दरिया मोजन
बुलंद कर दिए, बलागत के समंदर बहा दिए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इशारा आसमान की तरफ किया तो जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने तलवार नियाम से निकाल ली। कहते अल्लाह के रसूल, जिसने आपके लिए ये रिश्ता मुंतखिब किया, जिसने सैयदा को आपके घर में भेजा, निकालने का इख्तियार भी उसी को है। पैगंबर की आंखों से आंसू जारी थे, पैगंबर के लबों पे मुस्कुराहट जारी हुई। मेरे पैगंबर उठते हैं, सैयदना अबू बकर के दरवाजे पे पहुंचते दस्तक दी। सैयदा की मां ने बोला, पूछा मम बिल बाब, दरवाजे पे कौन है? जाओ चले जाओ, हमें क्यों सताते हो, हमें क्यों तड़पाते हो, हम तो पहले ही गमों में डूबे हुए हैं। बाहर से आवाज आई, आपके दरवाजे पे आसमान का सिराज मुनीर आया है, अब्दुल्ला का यतीम आया है, सरवरे कायनात आए हैं। भागती हुई तशरीफ लाई, दरवाजा खोला। मेरे पैगंबर पूछते हैं, बताओ ऐशा किधर है? ऐशा कहती है, मैंने सोचा कि मैं अब भाग के अपने पैगंबर के दामन से लिपट जाऊं, अपने पैगंबर से हाल दिल कह डालूं, मगर दिल में ख्याल आया, पहले तो तुमने अपनी रिपोर्ट आसमान की अदालत में दर्ज करवा दी, अब वहीं का इंतजार करो। सैयदा फरमाती, मैं बैठी रही, इधर से मेरे पैगंबर आकर तशरीफ ले आए। कहती है, ऐसा बताओ क्या हाल है? सैयदा फरमाती है, गम की ये हालत। मैंने कहा, मेरा आज वो हाल है जो अबू यूसुफ का हाल था। गम की इतनी तकलीफ थी, इतनी गमजदा थी कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का नाम जुबान पे नहीं आ रहा था। मैंने तो उसकी तरफ रजू कर लिया है, अब उसी की तरफ से फैसला आएगा। सैयदा कायनात ने इतनी बात कही, मेरे पैगंबर फरमाते, ऐसा परेशान ना हो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी मिसल सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवा दी, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा मुकदमा खल्के कायनात की अदालत में रख दिया है। इतनी बात हुई, मेरे पैगंबर की पेशानी पे पसीने के आसार, मेरे पैगंबर की पेशानी पे पसीना आने लगा, जिस्म पे कपकपी तारी हुई, वही का नजूल शुरू हुआ। सैयदा समझी, मेरे मुतल्लक अहकामात लगता जारी हो चुके, अल्लाह ताला ने आसमान से फैसला भेज दिया। मेरे पैगंबर ने अपने ऊपर चादर ली, सैयदा ऐशा का पास बैठी। कहती, अल्लाह के रसूल, आज दो रात एक दिन होगी अल्लाह के सामने जबीने ने आज झुकाई, आंसू बहा रही हूँ। इधर मेरे पैगंबर ने अपने ऊपर चादर मुबारक ली, इधर से चादर हटाई, पैगंबर की आंसुओं से झिलकते मोती चेहरे पे मुस्कुराहट। कहती, मैं समझ गई, आसमान से अल्लाह की तरफ से बशारत आ चुकी, खुशखबरी आ चुकी। मेरे पैगंबर ने जब कुरान की इन आयात को पढ़ा, कुरान की इन आयात की तिलावत की, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबून लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून लहुम मग़फिरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सैयदा ने जब ये आयत सुनी तो बेसाख्ता जुबान से निकल आया, अल्लाह, जब मूसा की बारी आती है एक औरत वकीले सफाई बनती, जब ईसा की बारी आती है, जब मां मरियम की बारी आती है, बच्चा ईसा वकीले सफाई बन जाता है। अल्लाह, यूसुफ की बारी आती, एक लड़का वकीले सफाई बन गया। अल्लाह, आज क्या कमाल है, आयशा की बारी आई है, आसमान वाला खुद वकीले सफाई बन गया। आसमान से ऐलान हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो लोग कह रहे हैं ऐसा इससे पाक है। उस वक्त उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा का वकील बना था, आज अल्लाह के फजलो करम से हर सुन्नी अहले हदीस सैयदा का वकील बन के मैदान अमल में निकल चुका है। काट देंगे वो जुबान जो पैगंबर के सहाबा के मुतल्लक बों के सैयदा के दुपट्टे पे कीचड़ उछाल। ये इसलिए बतलाया है, फितना बहुत बड़ा है सैयदा के मुतल्लिक, महाज खुला है। आप कई लम्बे हो, अल्लाह ने कुरान में सूरत नूर में 18वें पारे में आयत नंबर 26 में सैयदा की पकीजगी का ऐलान फरमाया है। और जिसकी अजमत में कुरान आ जाए, जिसकी शान में कुरान आ जाए, तुम उसको बुरा भला कहते हो? हया करो, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला से सहाबा इकराम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। जो सहाबा इकराम के मुतलक बकवासात करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए खुद ही काफी हो जाए। अकुल को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह अलैकुम।